नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एकैड डिजाइनिंग में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिडवर्क्स के स्प्लाइन टूल के बारे में और देखेंगे कि स्प्लाइन टूल किस प्रकार से परफॉर्म करता है, हमें किस प्रकार से इसे ड्रॉ करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिडवर्क्स को ओपन करने के बाद हम होम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पार्ट ड्रॉइंग के लिए चूज़ करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। मेक श्योर कोई भी ड्रॉइंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे यूनिट देख लीजिए, जो हमें रिक्वायर्ड है वो ही करंटली यहाँ पे यूनिट सेट हो। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड है एक प्लेन, आपको जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे स्केच सिलेक्ट कर लीजिए तो जो हमने प्लेन सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा स्केचिंग के लिए। जैसे हम स्केच सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखिए स्केच टैब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और यहाँ से हमें ये स्प्लाइन का टूल यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि स्प्लाइन टूल में यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस है तो हम यहाँ पे प्रीव्यू देख लेंगे किस प्रकार से हमें यहाँ पे स्प्लाइन ड्रॉ करनी है और इसे किस प्रकार से एडिट करते हैं और इसके एडिटिंग्स के क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या क्या मैटर करते हैं हमारे स्प्लाइन के साथ, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसे इसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्प्लाइन स्टाइल स्प्लाइन और इक्वेशन ड्राइव कर्व। तो इक्वेशन ड्राइव कर्व एक एडवांस एक फीचर है इसका, इसे हम देखेंगे 2D स्केच में क्या परफॉर्म करता है और 3D स्केच में क्या परफॉर्म करता है, यह हम आने वाले एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में इसे हम देखेंगे। हम सिर्फ बेसिक जानकारी लेंगे इक्वेशन ड्राइव कर्व के बारे में। तो सबसे पहले स्प्लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सिंपल स्प्लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे कमांड को स्केप कर दीजिए तो ये कमांड कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हम स्प्लाइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें इस प्रकार से लाइंस यहाँ पे दिख रहे हैं जो है रेफरेंस लाइन, यानी कि अगर इस लाइन को कंसिडर करेंगे तो ये कर्व इन सारे लाइंस को टेंजेंट पॉइंट से टच होता हुआ यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। आप सिंपली इस लाइन के पॉइंट को क्लिक कीजिए और जैसे चाहे उस डिग्री में आप इसे रोटेट कर सकते हो, उसके इफेक्ट से आपका कर्व जो है एडजस्ट होता रहेगा। तो सिंपल इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद आप चाहे तो इसके रिलेशंस भी दे सकते हैं, मेक वर्टिकल कर सकते हैं इसे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद इसे हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, इसे भी आप चाहे उस प्रकार से इसे रोटेट कर सकते हैं और आपके कर्व को मैनेज कर सकते हैं। तो सिंपली इसे ओके कर देते हैं। अगर इसको डायमेंशन देने की बारी आती है तो स्मार्ट डायमेंशन के साथ हम इसको ऐसे पैरामेट्रिकल लेंथ इसे मेंशन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। आप चाहे तो इसे एक यूनिट में सेट कर सकते हैं और इसे कर देते ओके, यानी कि टोटल इसकी पैरामेट्रिक लेंथ जो बनेगी वो है 180 यूनिट। स्केप कर देते हैं इसको और यहाँ पे देखिए इस लाइन जो है हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं स्प्लाइन को और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड एंटिटी स्प्लाइन 1, यानी कि ये जो स्प्लाइन हमारी एंटिटी 1 बनी है उसका रीनेम आ जाएगा इधर। और यहाँ पे सारे ऑप्शंस एडिटिंग के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि ऐड टेंजेंसी कंट्रोल। जैसे कि ऐड टेंजेंसी कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे देखिए टेंजेंसी कंट्रोल के लिए यहाँ पे दो तरफ से ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। लाइन किसी को भी पॉइंट को अगर हम सिलेक्ट करते हैं देखिए इस प्रकार से ये एडजस्ट करने हमें मिल जाएगा। तो कंट्रोल जेड कर देते हैं ताकि हमारा पहले वाला कर्व जो है वापस हमें मिल जाए। इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए कर्व को और राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए ऐड कर्वेचर कंट्रोल। जैसे ही ऐड कर्वेचर कंट्रोल करेंगे और हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक नया कंट्रोलर यहाँ पे ऐड हो चुका है जो हमारे कर्व को यहाँ से ऐड करता हो या फिर कंट्रोल करता हो। सिंपली यहाँ पे भी हमें लाइन मिलेगी तो इस प्रकार से हम इन्हें मैनेज कर सकते हैं। जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम कंट्रोलर ऐड करके कर्व को हमारे और भी ज़्यादा स्मूथ या फिर हमें जो शेप चाहिए वो शेप हम अचीव कर सकते हैं। कंट्रोल जेड कर देते हैं, फिर से सिलेक्ट करते हैं कर्व को और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इंसर्ट स्प्लाइन पॉइंट। अगर हमें इनके बीच में कहीं भी एक पॉइंट ऐड करना है तो इंसर्ट स्प्लाइन पॉइंट ले लेते हैं और हमें यहाँ पे पॉइंट ऐड करना है तो मैं यहाँ पे सेट करूँगा। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आ चुका है तो इसे सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ पे जो पॉइंट आया है उसकी लाइन को सिलेक्ट करके हमें चाहे जैसे इसे रोटेट कर सकते हैं या फिर इसे यहाँ पे रिलेशन दे सकते हैं एज अ हॉरिजेंटल। तो इस प्रकार से हम कोई भी एक वर्टेक्स पॉइंट जो इसके कहेंगे ऑन कर्व ऐड कर सकते हैं। कर्व को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे देखिए शो एसपी लाइन हैंडल्स, यानी कि जो ये जो लाइन्स है इसे हम हैंडल्स कहेंगे। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हैंडल्स यहाँ से चले जाएंगे। जैसे हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे तो हमें ये दिखाई दे देंगे और राइट क्लिक करेंगे, शो करेंगे इसे, तो ये हमारे कर्व के साथ ही यहाँ पे दिखाई दे देंगे जो हमने यहाँ पे रिसेंटली ऐड किए हैं या फिर कर्व के साथ इन्हें चेंज किया है। इस प्रकार से यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस कर्व को मैंने एडजस्ट नहीं किया था, अभी फिर एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है। आप चाहे तो ये हैंडल्स आपको दिखाई देने चाहते हैं तो इसे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे विजिबिलिटीज की शो और हाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे हाइड कर देंगे। कर्व को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। या फिर देखिए डिस्प्ले कंट्रोल पॉलीगॉन्स, जैसे इसे क्लिक करेंगे तो हर एक लाइन से हर एक पॉइंट से जो एक पॉलीगॉन के शेप बनेगा वहाँ से हम इन कर्व को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। ये जो यहाँ पे येलो कलर के पॉइंट्स आए हैं इस पॉइंट से हम इन्हें मैनेज कर सकते हैं इन कर्व्स को कुछ इस प्रकार से। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो ये फीचर्स भी आप यूज़ कर सकते हो और आपके कर्व को मैनेज कर सकते हैं। कमांड को स्केप कर देते हैं और कर्व को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिस्प्ले कंट्रोल पॉलीगॉन्स को हाइड कर देते हैं, हमें रिक्वायर्ड नहीं है। फिर से कर्व को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए शो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, यानी कि जैसे हम इसे सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे देखिए इन्फ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि दो कर्व जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे को, तो वहाँ का पॉइंट आपको इस इंडिकेशन के साथ यहाँ पे शो हो जाएगा। यानी कि ये कर्व कंप्लीट हो गया तो यहाँ से सेकेंड कर्व चालू हो गया, यहाँ से फिर नेक्स्ट कर्व और यहाँ से नेक्स्ट कर्व यहाँ तक हो गया, यहाँ से नेक्स्ट यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जहाँ पे दो कर्व ज्वाइंट हो जाते हैं वहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है कि इन्फ्लेक्शन इसका कहाँ पे हुआ है आइडेंटिफाई करना है आपको, तो ये फीचर आप टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं। राइट क्लिक के साथ शो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को बंद कर देते हैं क्योंकि हमें इनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। सिलेक्ट करते हैं फिर से कर्व को, राइट क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे और यहाँ पे शो मिनिमम रेडियस, जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस कर्व में मिनिमम रेडियस आपकी कहाँ है तो ये आइडेंटिफाई कर देगा कि यहाँ पे रेडियस जो है 1.44 यूनिट की है, जो मिनिमम रेडियस है हमारे इस कर्व में। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई या फिर फाइंड कर सकते हैं कर्व को। तो इसे यहाँ से ऐड कर देते हैं, फिर से करेंगे राइट क्लिक। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कन्वर्ट टू स्टाइल एसपी लाइन, हम ये फीचर नेक्स्ट में भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए एसपी लाइन में जब हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो कन्वर्ट स्टाइल स्प्लाई लाइन, मतलब इस लाइन को हम उस स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। तो लाइन का टाइप क्या है हम फर्स्ट देख लेते हैं, बाद में इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो ड्रॉप डाउन करने के बाद स्टाइल स्प्लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से कर्व ड्रॉ करेंगे। तो फर्क साफ आपको दिखाई दे रहा है, स्केप के साथ कमांड को एंड कर देंगे और यहाँ पे देखिए हमने जो ये कर्व ड्रॉ किया है एसपी लाइन का उसके जो पॉइंट है वो ऑन कर्व है और यहाँ पे जो स्टाइल स्प्लाइन हमने ड्रॉ की है इसके यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो वर्टेक्स में हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ना कि इस कर्व के सरफेस पे। तो इस प्रकार से हम इसके वर्टेक्स को एडजस्ट करके हमें यहाँ पे स्प्लाइन है वो ड्रॉ करनी पड़ती है और यहाँ से ही मैनेज करनी पड़ती है। अगर डायमेंशन की बात करें तो हम इन वर्टेक्स की लेंथ को डायमेंशन दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 50 यूनिट मेंशन कर देता हूँ और यहाँ से एक अलाइन डायमेंशन ही यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 25 यूनिट। इस प्रकार से आप चाहे तो दो पॉइंट में कितना डिस्टेंस चाहिए वो भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टाइल स्प्लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं वर्टेक्स की मदद से और जो रेगुलर स्प्लाइन है वो ऑन कर्व पॉइंट ड्रॉ करके आपको ये मिल जाती है। तो चलिए नेक्स्ट एडिट टूल देख लेते हैं। तो इस स्प्लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे
और यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू स्टाइल स्प्लाइन, यानी कि इसे हमें इस प्रकार की स्प्लाइन लाइन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट टू स्प्लाइन करते हैं और यहाँ पे वार्निंग पूछेगा, इसे हम यस करेंगे और एक बार यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए वर्टेक्स के साथ हमारी स्प्लाइन यहाँ पे चेंज हो चुकी है इस प्रकार से स्टाइल स्प्लाइन में। तो आप चाहे तो स्टाइल स्प्लाइन में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो यहाँ से कंट्रोल जेड करके हम वापस स्प्लाइन को अचीव करेंगे इस प्रकार से। तो हमारी स्प्लाइन जो है रेगुलर मोड में यहाँ पे आ चुकी है। फिर से राइट क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कन्वर्ट टू जेनेरिक स्प्लाइन। इसका मतलब यह है कि एज अ यहाँ पे देखिए जो हमारे वर्टेक्स है वो एज अ सेंटर लाइन में आ चुके हैं एज अ रेफरेंस के हिसाब से। तो जैसे हम कन्वर्ट टू जेनेरिक स्प्लाइन करेंगे, यस करेंगे वार्निंग को, और यहाँ पे देखिए ये जो स्प्लाइन हमारी बन चुकी है एज अ जेनेरिक यानी कि एक रेफरेंस के हिसाब से बन चुकी है। आप इसे कोई भी एडिट नहीं कर सकते, आप कोई भी इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर इसे हम ड्रैग करेंगे तो पूरी स्प्लाइन के साथ ही यहाँ पे बन जाएगी। ये टोटली जेनेरिक की तरह से बन गई, मतलब ये बर्फ़ की तरह जम गई है। इसे आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी इसे चेंज नहीं कर सकते। तो राइट क्लिक के साथ हमें कन्वर्ट टू स्प्लाइन करना है इसके अपोजिट, तो ये ऑटोमेटिकली फिर से स्प्लाइन लाइन में आ जाएगी हमारे रेगुलर मोड में। फिर एक बार राइट क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे शो कर्वेचर कॉम्स। तो इसे हम सिलेक्ट करने के बाद और आपको यहाँ पे कर्वेचर के कॉम्स यानी कि जहाँ पे रेज आपके यहाँ पे जो जैसे शो हो रहे इस प्रकार से हमें एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे लाइंस मिल जाते हैं। इसका उपयोग यहाँ पे सरफेस मॉडलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप आने वाले ट्यूटोरियल में हमें देखेंगे कि इसके फीचर के साथ हम कैसे मैनेज करेंगे इस टूल को। तो इस प्रकार से परफॉर्म करता है कर्वेचर कॉम्स। तो इसे हम हाइड कर देंगे, हमें इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। फिर से राइट क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे डिलीट। जैसे डिलीट करेंगे तो ये कर ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं, वापस आ जाएगा कर। यहाँ पे हमने सारे ऑप्शन कवर कर लिए हैं एडिटिंग के। तो सिंपल इन कर को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ जो है यहाँ पे इक्वेशन ड्रिवन कर। इसकी हम बेसिक जानकारी लेंगे कि ये 2D में कैसे परफॉर्म करता है और 3D के लिए परफॉर्मेंस के लिए हम अलग से एक ट्यूटोरियल बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि ये 3D सरफेस पे कैसे परफॉर्म करता है। तो इक्वेशन ड्रिवन कर्व लेने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी कर्व ड्रॉ करना नहीं पड़ता है। तो इसके लिए स्टार्ट करने से पहले हम इसे कट कर देते हैं और रेफरेंस के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से जो है 50 यूनिट की लाइन, और कमांड को स्केप कर देते हैं। अब लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन ड्रिवन कर्व। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक्सप्लिसिटी और पैरामेट्रिक। तो फर्स्ट हम एक्सप्लिसिटी के साथ ही जाएंगे और इक्वेशन में हम यहाँ पे हमें एक कोई भी साइन की वैल्यू देनी पड़ती है, जैसे कि 5 टाइम्स यानी कि 5 इंटू साइन ले लेते वैल्यू और ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू डाल देंगे एक्स इस प्रकार से, और पैरामेट्रिक x1 यानी कि एक्स पॉइंट हम ऑरिजिन का लेंगे 0 का, और x2 के लिए हम ये टोटल लेंथ लेंगे 50 यूनिट की। और जैसे साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक हेलिकल कर्व हमारा यहाँ पे प्रीव्यू में दिख रहा है इस प्रकार से। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 15 कर देते हैं साइन, तो यहाँ पे देखिए ये विड्थ जो है यहाँ पे इस तरह से बढ़ चुकी है। अगर हम रेफरेंस के लिए चेक करेंगे तो इसे हम ओके कर देते हैं और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अप साइड की डायरेक्शन के लिए 15। तो यहाँ पे देखिए हमने जो 15x की वैल्यू डाली थी तो इस प्रकार से कर्व में ये परफॉर्म करेगा। सिंपली इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से ये एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर 50 जो लेंथ हमने डिसाइड की थी उसे हम कम करेंगे, 25 लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी मिड पॉइंट तक यानी कि 25 हाफ हो जाएगा 50 के, तो इस प्रकार से ये कर्व कम हो जाएगा। अगर हम इस लाइन को अगर यहाँ पे ड्रैग करते या फिर कम करेंगे यहाँ से, यहाँ पे हम सिंपल 10 की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये जो हाइट है वो 10 यूनिट के साथ यहाँ पे बन जाएगी इस प्रकार से। तो हम इसे भी 10 यूनिट कर देते हैं ताकि इसकी हाइट भी देखिए 10 यूनिट के साथ ही यहाँ पे आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप हेलिकल जो है ड्रॉ कर सकते हैं एज अ स्प्रिंग हेलिकल।
इसे हम 3D में भी परफॉर्म करके देखेंगे, लेकिन इस ट्यूटोरियल में नहीं, हमारे आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे कि ये 3D में कैसे परफॉर्म करता है। हमने यहाँ पे सिर्फ दो एक्सेस के लिए यहाँ पे मेंशन किया था इसे, जैसे कि सिलेक्ट करते फिर से ड्रिवन कर और एक बार ड्रॉ कर लेंगे, पैरामीटर को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस ये और X1 यानी कि X1 पॉइंट हमने 0 सिलेक्ट किया था और X2 पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट किया था, और जो 3D में परफॉर्म करता है वो भी यहाँ पे जेड एक्सिस के लिए भी परफॉर्म करेगा। तो हमें 3 पैरामीटर यहाँ पे डालने पड़ते हैं और यहाँ पे इक्वेशन की वैल्यू सिंगल वाई पे डालनी पड़ती है। जैसे ही पैरामीटर पे क्लिक करेंगे तो इक्वेशन हमें दो टाइप देने पड़ेंगे, जैसे कि एक्स और वाई के लिए, और पैरामेट्रिक T1 और T2 के लिए यहाँ पे आ जाएगा। तो इन्हें हम वन बाय वन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि स्प्लाइनन कैसे ड्रॉ करते हैं, स्प्लाइनन एडिट के ऑप्शन क्या क्या है, इन्हें कैसे मैनेज करते हैं, साथ ही साथ हमने देखा स्टाइल स्प्लाइन क्या है, इक्वेशन ड्रिवन कर्व क्या है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है किसी ऑप्शन को लेकर तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए, एज सून एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।